जेएनयू से हैं, जामिया से भी आपने कोचिंग की। सिविल एग्जाम यूपीएससी में जामिया मिल्ला से कोचिंग करने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। श्रुति की कामयाबी से खुश जामिया मिल्ला इस्लामिया की वीसी नजमा अख्तर ने उसके घर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। मैंने ग्रेजुएशन अपना हिस्ट्री से किया था, सेंट स्टीफन से। उसके बाद जेएनयू में मैंने एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में। आई कुडंट कंप्लीट द एंटायर कोर्स, जिसके बाद मैंने यूपीएससी लेने का डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर जामिया में आरसीए में मैंने जो रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है वहाँ पर गाइडेंस ली। तो आई थिंक हर इंस्टीट्यूशन ने मुझे काफी कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला नहीं है। 10 वीडियो के इसमें सारांश है, समरी है, निचोड़ है। वीडियो को पूरा देखिएगा। टिप्स ट्रिक के साथ आप भी कैसे सक्सेस बन सकते हैं, आप भी कैसे टॉपर बन सकते हैं, आप भी अपने जिंदगी में देश में कैसे नाम कमा सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। श्रुति शर्मा के टिप्स 1x1 और जामिया के वीसी से इन्होंने मुलाकात की, जामिया से पढ़ी हुई है, जामिया के साथ साथ इन्होंने जेएनयू से और डीयू से पढ़ाई किया है। और हम लोग और इस टीवीआईटी चैनल पे डीयू, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, ऑल टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही वीडियोस इस पे बनाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको श्रुति शर्मा जी की हर चीज, इंपॉर्टेंट चीजें इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को आगे देखते रहिए। उसके बाद सेंट स्टीफन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद जेएनयू में मैंने एमए हिस्ट्री में दाखिला लिया था, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाई। जामिया से आरसीए में मैंने गाइडेंस के लिए यूपीएससी के लिए बोलिया। दोस्तों वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि जामिया जैसे अच्छी कोचिंग सेंटर में कैसे आप एडमिशन ले। कंप्लीट पैकेज एक वीडियो बनाया हूं जिसमें जामिया के फ्री कोचिंग में कैसे आप एडमिशन ले उसके बारे में डिटेल बताया है। तो वीडियो को और आगे कंटिन्यू देखते रहिए। टॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले इस वक्त में एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है? घंटे तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट नहीं, पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, घंटे काउंट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिन घंटे पढ़ रहे हो उसमें क्वालिटी ऑफ पढ़ाई कितनी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाकर सोर्सेज लिमिटेड करके पढ़ाई करनी चाहिए। बुक्स के अलावा और कुछ सहारा? मैं अपनी खुद की नोट्स और अखबार और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, वो मुझे हेल्प किया। मैं पूछना चाहूंगा कि यंग एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और जो आपने मेथोडोलॉजी फॉलो की है, बस उसका एक रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा। I just like to say ki the journey required a lot of hard work, it required a lot of patience, and I think that only, and you should obviously also do what you like to do, and that will give you the required motivation to continue in this journey, so that was rewarding. दोस्तों ये मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ और इस वीडियो में है जामिया में कैसे आप फ्री कोचिंग में एडमिशन लेंगे। A to Z डिटेल से इस वीडियो में, इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके जामिया में फ्री कोचिंग में जितने भी फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं, किसको किसका एडमिशन होता है, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, क्या फीस होती है, कितना पैसा, A to Z डिटेल्स इस वीडियो में है। तो जाइए इस एंड स्क्रीन वाले वीडियो पे जाइए या आई बटन पे जाइए और जामिया का फ्री कोचिंग के बारे में डिटेल जानिए।